Hey guys, welcome to Game of Point. This is your host Amogan. In this video, we're gonna do a small test. Here, I have the new 2000 rupees ka note with me, and I'm gonna put this note into the water to show you the durability of this note. And I'm also gonna compare it with the old 100 rupees ka note to show you the small comparison of both of these notes, so that we'll understand whether the new note's quality is as good as the old note. अब यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये एक इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियो है जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ये नए नोट की क्वालिटी कैसी है अगर हम इसको भिगाते हैं पानी में, या फिर अगर आपके हाथ से गलती से गीली हो जाती है तो क्या ये नोट की क्वालिटी वैसी है जैसे आपने पुराने नोट की है। तो यहाँ पर मैं किसी भी तरह का हमारे करेंसी का या हमारे जो इंडियन करेंसी उसका मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ पे मैं किसी का भी अपमान या फिर मैं किसी को भी डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियो है। तो यहाँ पे मैं हमारी जो नई करेंसी है और जो भी हमारा डिसीजन लिया गया है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उसका मैं सम्मान करता हूँ और उनको सपोर्ट करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई भी तरह का मैं अपमान नहीं करना चाहता हमारी करेंसी का। तो चलिए जल्दी से दोनों नोटों को पानी में भिगो देते हैं और फिर हम देख लेंगे कि इनकी क्वालिटी कैसी है रह जाती है गीले होने के बाद। तो सबसे पहले भिगोते हैं हमारे 2000 रुपीज़ की नई नोट को और देन हम भिगाएंगे हमारी 100 रुपीज़ की नोट को जो कि सबसे पुरानी है। तो यहाँ पे ये जो नोट है बहुत ही ओल्ड है। तो दोनों नोट पानी में जाने के बाद हम अब मैं आपको वीडियो में ऐसे बता तो नहीं सकता लेकिन फिर भी आई कैन श्योरली से दैट द क्वालिटी आफ्टर द नोट गेट्स वेट इट्स काइंड ऑफ लाइक सिमिलर बोथ नोट। जो भी दोनों नोट्स है इनकी जो क्वालिटी गीली हो जाने के बाद हाथ में लाइक फील हो जाती है वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का मुझे डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं कैमरा को और मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ यहाँ पे। तो दोनों नोट अभी पानी के अंदर है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे जो गांधी जी है उनका जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है 100 रुपीज़ के नोट में, और जो 2000 रुपीज़ के नोट है वहाँ पे वो इतना दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि वो है वहाँ पे लेकिन फिर भी इतना दिखाई नहीं दे रहा है जितना कि हमें 100 रुपीज़ के नोट में दिखाई दे रहा है। और अगर मैं दोनों नोटों को उल्टा कर दूँ तो यहाँ पे भी सिमिलरली जो भी लाइक उनका कंटेंट है वो वैसे के वैसा ही है। तो क्वालिटी वाइज यहाँ पे दोनों नोट का जो कागज़ का जो क्वालिटी है वो मुझे ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। तो अब मैं इन दोनों नोटों को हाफ एन आवर के लिए ऐसे ही पानी में छोड़ देता हूँ और फिर बाद में आपको बताता हूँ कि इनकी क्वालिटी कैसे रह जाती है हाफ एन आवर के बाद। सो गाइस इट्स ऑलमोस्ट बीन हाफ एन आवर नाउ और अगर मैं आपको अभी हमारी 100 रुपीज़ की नोट को निकाल के दिखाऊँ तो ये जो कागज़ है वो बिल्कुल ही गीला हो चुका है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा भी यहाँ पे खींचूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फट जाएगा, लेकिन फिर भी मैं उसको इतना ज़्यादा नहीं खींचूँगा। और अगर हम नज़र डालें हमारी 2000 रुपीज़ के नोट पे तो ये भी यहाँ पे इसकी जो कागज़ की क्वालिटी है जो कलर है या फिर जो भी कुछ है वो कम्प्लीटली मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है। हालांकि कागज़ बहुत ही गीला है तो अगर मैं इसको थोड़ा सा भी यहाँ पे ऐसे खींचूँ तो सेम मुझे ऐसा लगा कि कागज़ शायद फट जाएगा, लेकिन जो कागज़ है वो गीला होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि इतने से हल्के से प्रेशर से फट जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो गांधी जी का जो रिफ्लेक्शन है वो इतना भी अगेन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है जैसे कि हमें 100 रुपीज़ के नोट में दिखाई दिया था। तो चलिए दोनों नोटों को पानी के बाहर से निकाल लेते हैं और फिर थोड़ा सा सूखने के लिए रख देते हैं तो और फिर देखते हैं कि इनमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं। तो दोस्तों अभी मैंने दोनों नोटों को सूखने के लिए रख दिया है पंखे के नीचे। तो अगर अभी हम नज़र डालें तो यहाँ पे दोनों नोटों में मुझे जो गांधी जी का रिफ्लेक्शन है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले जैसे मैंने आपको दिखाया वो हमारे 2000 रुपीज़ के नोट पे इतना नहीं था, लेकिन अभी जो है वो साफ साफ ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है। और जो कागज़ की क्वालिटी है वो जैसे जैसे कागज़ सूख रहा है वैसे वैसे वो थोड़ा हार्ड यानी कि सख्त होता जा रहा है, सिंस वो काफ़ी ड्राई होने की वजह से शायद थोड़ा सा सख्त हो रहा है कागज़ की क्वालिटी, लेकिन वो नॉर्मल है क्योंकि दोनों नोटों में वो क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई दे रही है मुझे। तो ऐसा नहीं कि जो नई नोट है उसकी क्वालिटी अच्छी या फिर बुरी है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और यहाँ पे एक नई चीज़ दिखाई दे रही है कि दोनों ही नोटों का जो टेक्सचर है वहाँ पे जो ये नया ही कुछ अलग ही तरह का पैटर्न जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो शायद ये नोट गीली हो जाने की वजह से शायद होगा, पता नहीं अभी, लेकिन लेट्स सी। अभी दोनों नोटों को हम सुखाने के लिए रख देते हैं और कम्प्लीटली सूखने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि ये कैसे रह जाती है। सो गाइस दैट्स इट, बोथ द नोट्स आर कम्प्लीटली ड्राई नाउ। तो दोनों ही नोट जो है वो कम्प्लीटली सूख चुकी है। सूखने की वजह से ये जो नोटों का जो आकार है जिसको हम बोलते हैं कि जो नोट का जो टेक्सचर है वो बहुत ही रफ़ हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पहले बहुत ही स्मूथ था तो अब ये थोड़ा सा हार्श हो चुका है, लेकिन ये कम्प्लीटली नॉर्मल है दोनों ही नोटों के कागज़ों में। तो क्वालिटी वाइज मुझे यहाँ पे कोई भी फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि नए नोट की क्वालिटी बुरी है या फिर पुराने नोटों की अच्छी है, दोनों की सही है। तो ऐसा तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है।
तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लॉजिकल है या फिर ये वीडियो में जो मैंने कंटेंट दिखाया है वो आपको अगर वैध लगता है तो आप ज़रूर से लाइक बटन दबाइए जो आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मेरा वीडियो है वो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेटिव टाइप के लिए बनाया है, तो यहाँ पे जो वीडियो है उसका मेन हेतु है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पे मैं हमारी करेंसी का कोई भी तरह से अपमान नहीं कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल कम्प्लीटली टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से रिलेटेड है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो देन। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ योर होस्ट अमोक साइनिंग ऑफ। अंटिल देन आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।